हे किड्स, वेलकम बैक टू सिंपल स्कूल कुसुम बिहार। होपिंग आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं इस अल्फाबेट लर्निंग एंड राइटिंग सीरीज के लास्ट सेशन में, यानी कि आज का सेशन होगा हमारा लास्ट सेशन। सो होपिंग कि ए से लेके एक्स तक आपने सारे लेटर्स को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा, सारे लेटर्स से स्टार्ट होने वाले थे, वर्ड्स को भी आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो यस, अभी बचा है सिर्फ टू लेटर जो कि आज सेशन में हमें पढ़ना है, दैट इज वाई एन जेड। यस, तो क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, जिसमें हमें 24 ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो लेट्स सी व्हिच लेटर कम्स आफ्टर एक्स। सो एक्स के बाद में जो नेक्स्ट लेटर आता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर, दिस इज वाई। यस, यह वो लेटर है जो कि आता है एक्स के जस्ट बाद में, यानी कि एक्स के जस्ट बाद में जो लेटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई। यह है एक्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यह है वाई, जो कि आता है ऑलवेज एक्स के बाद में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स के बाद में जो लेटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई। यस, सो दिस इज वाई इन ब्लू कलर। यू से अगेन, दिस इज वाई, दिस इज वाई। यस, सो नाउ विल लर्न थ्री वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वाई। वाई से स्टार्ट होना जो फर्स्ट वर्ड है जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, जो कि है एक वाइल्ड एनिमल का नाम, दैट इज वाई फॉर याक। वाई फॉर याक, आपने वाइल्ड एनिमल डेफिनेटली पढ़ा होगा, वो होता है हमेशा वाई से स्टार्ट। उसका नाम क्या है? वाई फॉर वाई ए के याक, वाई फॉर याक। आपके अंदर देयर इज वन मोर वर्ड जो कि हमें पढ़ना है, जो कि स्टार्ट होता है हमेशा वाई से, दैट इज नेम ऑफ अ कलर। यू कैन सी दैट, आई थिंक नो, दिस इज नॉट येलो। यस, आई हैव अ डस्टर इन येलो कलर। सो डू यू नो दिस इज विच कलर? दिस इज येलो एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वाई। सो वी कैन से वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो। यस, सो यहाँ पे हमें टू वर्ड्स वाई से स्टार्ट हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा वाई फॉर याक एंड सेकेंड हमने पढ़ा वाई फॉर येलो। आफ्टर याक एंड येलो देयर इज वन मोर वर्ड जो कि हमें पढ़ना है, दैट इज योगर्ट। डू यू नो व्हाट इज योगर्ट? यू से अगेन वाई फॉर योगर्ट, यू ऑल अगेन से वाई फॉर योगर्ट। सो डू यू नो व्हाट इज योगर्ट? योगर्ट इज अ कर्ड। जो कर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? योगर्ट। अब कर्ड क्या होता है? कर्ड क्या है? दही है, जो बहुत सारे बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खट्टा मीठा लगता है एंड इट इज वेरी हेल्दी। सो दही को हम कर्ड भी बोलते हैं एंड योगर्ट भी बोलते हैं। सो लास्ट वर्ड जो अभी हमने पढ़ा, जो कि स्टार्ट होता है हमेशा वाई से, दैट इज योगर्ट। यू से अगेन वाई फॉर योगर्ट, वाई फॉर योगर्ट। सो हियर वी लर्न थ्री वर्ड स्टार्टिंग विथ वाई, दैट वॉज फर्स्ट वन इज याक, सेकेंड वन वॉज येलो एंड थर्ड वन इज योगर्ट। सो आफ्टर दिस इट्स टाइम फॉर सम रिटन वर्क। सो लेट्स सी कि हम वाई को अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि वाई का पैटर्न होता कैसा है एंड आफ्टर दैट विल सी कि वाई को हम थ्री लाइन में कैसे लिखते हैं। किड्स, अभी हमने वाई से स्टार्ट होना थ्री वर्ड्स को लर्न कर लिया है, साथ ही साथ जान लिया है कि वाई कौन से लेटर के बाद में आता है। अब बारी आती है वाई के रिटन वर्क की, यानी कि अब हम देखेंगे कि वाई का पैटर्न होता कैसा है एंड उसके बाद में हम इसको थ्री लाइन में लिखना सीखेंगे। ओके, सो लास्ट जो हमने क्लास में जो लेटर सीखा था उसका नाम था एक्स, यहाँ पे हम वाई पहले सीखेंगे एंड उसके बाद में जेड सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वाई का पैटर्न होता कैसा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी हियर, देयर इज टू वाइज जो कि नॉर्मल लेटर में है, इसको हमें टच नहीं करना है। नीचे में जो वाई लिखा गया है ब्लड में, उसको हमें ओवरराइड करना है एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि वाई का पैटर्न होता कैसा है। सो लेट्स सी। सो वाई को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक वर्टिकल लाइन। आफ्टर दैट उससे कनेक्ट करते हुए एक और वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद में नीचे से बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। तो बेसिकली पहले आपको एक बड़ा सा भी बनाना है, भी जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो एंड भी के नीचे से आपको एक स्टैंडिंग बनानी है ऐसे। अगेन देख लेते हैं, वन वर्टिकल लाइन, वन मोर वर्टिकल लाइन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन स्टैंडिंग लाइन। आप इसको मेनी टाइम ओवरराइड कर सकते हो ताकि आप जान सको कि वाई का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है। सो हम इसको बार बार ओवरराइड करेंगे और देखेंगे कि होता कैसा है। तो वाई को लिखने के लिए हमें कितनी चीज़ों की जरूरत है? तीन चीज़ों की, टू वर्टिकल लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो आफ्टर इंटरसेक्टिंग वन, अब हम पहुंच चुके हैं इंटरसेक्टिंग टू में। इसमें हम देखेंगे कि वाई को हम थ्री लाइन में कैसे लिखेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट लाइन में वाई लिखा गया है वो एग्जैक्ट थ्री लाइन में लिखा गया है, उसको हमें टच नहीं करना है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देख लेते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। फर्स्ट विल काउंट द लाइन वन टू थ्री, तो जो ऊपर लाइन के ऊपर नहीं एंड नीचे वाले लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। हम बनाते हैं वाई को, पहले हम टू लाइन से बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। इसी टाइप से हम जितने भी वाई यहाँ पे फुल पेज में है उसको हम कंप्लीट करेंगे
और देखते जाएंगे कि वाई को हमें थ्री लाइन में कैसे लिखना है। ओके, सो ट्रेसिंग टू के बाद हम पहुंच चुके हैं डॉट राइटिंग में। यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉट के ऊपर में हम वाई को सेल्फ कैसे बनाएंगे, लेकिन हमेशा थ्री लाइन के अंदर होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ मेनी डॉट्स आर हियर, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कितने डॉट्स हैं? 4 डॉट्स हैं। इसको हम ज्वाइन करते हुए क्या बनाएंगे? वाई बनाएंगे। सो सबसे पहले इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन। उसके बाद इस डॉट को इसे ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक और वर्टिकल लाइन, और फिर इन दोनों को इस वाला डॉट को ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा। फिर से देख लेते हैं। विल मेक लाइक दैट स्टैंडिंग, सॉरी, वर्टिकल लाइन, वन मोर वर्टिकल लाइन, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, वन मोर वर्टिकल लाइन, एंड देन स्टैंडिंग लाइन। इसी टाइप से हम सारे वाई को बना लेंगे। बहुत ही ईजी है वाई को बनाना, आप इजीली बना सकते हो वाई। ओके, सो नाउ इट्स टाइम ऑफ लास्ट लेटर ऑफ दिस सेशन, यानी कि इस पूरे सेशन के लास्ट लेटर के बारे में पढ़ने का, जो कि है, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली, आई थिंक आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इट इज जेड। इसको हम क्या बोलते हैं? जेड, जो कि आता है वाई के बाद में, और ये होता है अल्फाबेट का लास्ट लेटर। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अल्फाबेट का जो लास्ट लेटर है वो कौन सा है? दैट इज जेड, दैट इज जेड। सो दिस इज लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स एंड इट ऑलवेज कम्स आफ्टर वाई। सो जेड जो होता है वो हमेशा आता है वाई के बाद में। तो आपको बोलना है फिर से कि वाई के बाद में जो लेटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज जेड। योगेन से जेड ऑलवेज कम्स आफ्टर वाई। सो लेट्स सी कि जेड से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, लाइक एक्स वाई। तो फर्स्ट वर्ड जो कि स्टार्ट होता है जेड से, जो कि है एक वाइल्ड एनिमल, अगेन इट इज एन एनिमल एंड इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन स्ट्राइप्स। तो यह एक एनिमल का नाम है जो स्टार्ट होता है हमेशा जेड से। इसका फर्स्ट लेटर होता है जेड। इसका नाम क्या है? जेड फॉर जिब्रा। यू जस्ट हैव अ लुक बाय नियर, दिस इज जेड फॉर जिब्रा। यू से अगेन, जेड फॉर जिब्रा। इट इज एन वाइल्ड एनिमल एंड इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट। आपने वाइल्ड एनिमल में ऑलरेडी पढ़ चुका है जिब्रा के बारे में। ओके, सो जेड से स्टार्ट वाला जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज जीरो। यस, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। यह क्या है? जीरो, जो कि स्टार्ट होता है हमेशा जेड से। तो यहाँ पे हमने जेड से स्टार्ट होने टू वर्ड्स को पढ़ लिया। कौन कौन सा? फर्स्ट हमने पढ़ा जेड फॉर जेब्रा एंड सेकंड वन इज जेड फॉर जीरो। सो नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होता है जेड से, जो कि हमें पढ़ना है आज, दैट इज जू। डू यू नो व्हाट इज जू? यस, जू इज अ टाइप ऑफ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जिसको हम जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से नेट में बंद होते हैं, केज में बंद होते हैं, जो कि बाहर नहीं निकलते हैं, एंड इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है। कई सारे ऐसे डेज भी होते हैं, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी आपने देखा होगा जू में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो जाकर देखने के लिए, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे हमने कितने वर्ड्स जेड से पढ़े? थ्री वर्ड्स को। कौन कौन से? फर्स्ट हमने पढ़ा जिब्रा, सेकंड हमने पढ़ा जीरो, एंड थर्ड हमने पढ़ा जू। सो आफ्टर दिस नाउ इट्स टाइम फॉर रिटन वर्क्स, लेट्स कम विद मी एंड नाउ सी हाउ वी कैन राइट जेड इन आवर इंग्लिश कॉपी। अभी हम पढ़ने वाले हैं जेड के बारे में, यानी कि जेड को हम कैसे लिखेंगे, जेड का पैटर्न कैसा होता है, ये हम जानेंगे। एंड किड्स, ये होगा हमारे इस अल्फाबेट्स लर्निंग एंड राइटिंग पूरे क्लास का लास्ट सेशन, यानी कि अल्फाबेट का लास्ट लेटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेड। ऑलरेडी आपको पता है और हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। सो फर्स्ट वाले को हम टच नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना। पहले हमें क्या बनाना होगा? एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन। जिगजैग फॉर्म में आपको बनाना है। सो यू मस्ट बी केयरफुल कि जेड को लिखने के लिए हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तीन चीज़ों की। वन, टू स्लीपिंग लाइन्स, स्लीपिंग स्लीपिंग एंड वन वर्टिकल लाइन। एक बार फिर से हम देख लें इसको। फर्स्ट बनाएंगे हम एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन एंड फिर एक स्लीपिंग लाइन। हमें तीनों लाइन को आपस में कनेक्ट करते हुए लाइन्स बनाने होंगे। फर्स्ट बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, इससे जोड़ते हुए बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन एंड इससे जोड़ते हुए बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। ओके, सो ट्रेस राइटिंग वन के बाद हम पहुंच चुके हैं ट्रेस राइटिंग टू में। इसमें हम देखेंगे कि जेड को हम थ्री लाइन में कैसे लिखेंगे, यानी कि जो थ्री लाइन में जेड लिखा गया है उसको हमें ओवरराइट करना है और देखना है कि कैसे हमें लिखना है। सो अगेन, एक बार फिर से हम इसको ऊपर, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे एंड इसके नीचे नहीं लिखेंगे। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट। सो फर्स्ट लाइन में हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन ऐसे, उसके बाद इस लाइन से कनेक्ट करते हुए बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन एंड फिर थर्ड वाली लाइन से इस वर्टिकल लाइन को कनेक्ट करते हुए बना देंगे स्लीपिंग लाइन। अगेन यू सी,
we'll make first slipping line, then vertical line, then again slipping line, slipping line, vertical line, slipping line. Very easy. Slipping line, vertical line, slipping line, again slipping line, vertical line, slipping line. Okay, it's यहाँ पे हमने जेड का पैटर्न जान लिया है, साथ ही साथ ये भी जान लिए हैं कि जेड को हम थ्री लाइन में कैसे लिखेंगे. अब बारी आती है कि जेड को हम डॉट्स के थ्रू कैसे लिखेंगे, यानी कि सेल्फ राइटिंग हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने डॉट्स हैं. 1, 2, 3, 4 फोर डॉट्स हैं. इन फोर डॉट्स के थ्रू हम जेड को कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. फर्स्ट विल मेक वन स्लिपिंग लाइन बाय ज्वाइंटिंग दिस बोथ डॉट्स. ओके, आफ्टर दैट बाय ज्वाइंटिंग दिस डॉट टू दिस डॉट विल मेक अ वर्टिकल लाइन. आफ्टर दैट विल मेक वन मोर स्लिपिंग लाइन बाय ज्वाइंटिंग दिस डॉट. यस, ओके. सो इसी तरीके से हम सारे जेड को बना देंगे. पहले बनाएंगे स्लिपिंग लाइन, फिर इससे इसको ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन, एंड फिर इससे इसको ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक स्लिपिंग लाइन. बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है. इसी टाइप से जितने भी डॉट्स गिवन है हम उस पे जेड को बना लेंगे. सो किड्स, इसके बाद में हम सीखेंगे नंबर्स, जो कि होगा आपका मैथ्स का सेशन 1. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा मैथ्स का फर्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.